अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं वसी महर व्लॉग और मैं हूं वसी महर। चाचा ये सवेरे सवेरे क्या मेरे को यही देखने का है क्या? तो गाइस आज सुबह हो चुकी है और मतलब क्या कमाल का आज दिन आया है। आज बहुत ज्यादा खुश हूँ क्योंकि आज मुझे एक गुड न्यूज मिल रही है। वो गुड न्यूज क्या है वो मैं आपको आगे जाके दिखाता हूँ। इसके अलावा आज के व्लॉग में बहुत ज्यादा एक्साइटिंग काम करने हैं। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। लेकिन वो काम आपको अभी नहीं बताऊंगा, आप साथ साथ रहिएगा, आप सारे काम देखिएगा। होप तो आप इंजॉय करेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये मेरे घर में लगा हुआ है नारों का पौधा, ठीक है। इसके ऊपर से सारे पत्ते झड़ गए हुए हैं, बस ये कुछ थोड़े से रह गए जो कि नए आ रहे हैं अभी, क्योंकि सर्दियों के मौसम में सारे पत्ते झड़ जाते हैं और बाद में नए आते हैं। बहुत ही सुंदर तरीके से आपने खेला। और नीचे जो क्यारी इसकी बनी हुई जिसके अंदर ये लगा हुआ है, नीचे आप देख सकते हैं धनिया और लहसुन मेरी अम्मी जान ने इनके अंदर लगाया हुआ है, क्योंकि हम मोस्टली जो धनिया और लहसुन है वो घर का ही यूज कर रहे होते हैं। और साथ में ये एलोवेरा और ये है फालसे का पौधा। तो फालसे के पौधे को भी सर्दियों की शुरुआत के अंदर जब सर्दियां आई थी तो काट दिया, ताकि जब दोबारा बहार आए तो नए पत्ते हैं और इसकी जो ग्रोथ है वो ज्यादा अच्छे से हो जाए। और साथ में ये बेल लगी हुई है, ठीक है। अभी प्लान ये कर रहे हैं कि जिस तरह ये एक क्यारी है ना, इसी तरह की एक या दो क्यारियां और बना दी जाए। ये मेरा खुद का प्लान है, अभी मैंने अम्मी जान से बात नहीं की, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि अगर हम लहसुन और धनिया घर लगा सकते हैं, और मतलब अच्छी बात है घर का खाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हम पता होता है भाई साफ पानी लगा हुआ है, कोई खाद वगैरह नहीं डली इसके अंदर, कोई पेस्टिसाइड यूज नहीं। तो जो दूसरे दो होंगे उनके अंदर थोड़ी थोड़ी सब्जियों की फार्मिंग कर लेता है बंदा। तो आज मैं अम्मी जान से डिस्कस करूंगा इसके बारे में और फिर इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा क्या डिसीजन होता है फिर। ये सारा पोस्ट ऑफिस और ये तुम्हारा बंदा। तो अब हम अभी इधर से डीएमसी रिसीव करेंगे और फिर घर जाएंगे, घर जाके आपको दिखाएंगे डीएमसी अपनी मतलब। तो ये जब हम आए हैं पुरवाला के पोस्ट ऑफिस में, मेरी डिग्री थी डीएमसी, तो डीएमसी इधर से रिसीव करनी है अपनी, तो डीएमसी रिसीव करना है। तो फाइनली ये वो चीज़ है जिसके लिए हम 4 साल यूनिवर्सिटी के अंदर जलील हुए, दिन रात एक करके खप डाली और फाइनली फिर भी हमें ये मिल गई है। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। तो अभी इधर मैं इसको खोल नहीं रहा, घर जाके मैं इसको खोल लूँगा और आपको दिखाऊँगा कि डीएमसी का अंदर से किस तरह का फॉर्म है जो मुझे रिसीव हुआ है। पोस्ट ऑफिस से डीएमसी लेके निकले थे, तो अभी हम लोग आए सिटी अड्डे के करीब, इधर भूख लग रही थी थोड़ी, तो सोचा अली भाई से दाल चावल खाते हैं। तो ये हमारे अली भाई, उनसे हम लगवाएंगे दाल चावल की प्लेट, तो वो खाते हैं और साथ में आपको उनकी तैयारी दिखाते हैं। तो ये जी अली भाई प्लेट लगानी स्टार्ट कर दी अली भाई ने, चावल के ऊपर ये दाल डाल रहे हैं। दाल डाल के लो जी, अब इसको करेंगे रेनोवेट। देखिए जी 50 रुपये या 100 रुपये के अंदर अगर मतलब इतनी ज्यादा चीजें एक चीज के अंदर मिल जाएं, तो इससे ज्यादा बेहतर क्या हो सकता है। अब हर चीज इसके अंदर डाल रहे हैं, तो जो ऊपर सब्जियां वगैरह जो सलाद डाल रहे हैं, मेरे ख्याल में तो इन्हीं की कीमत ही 50 रुपये हो जाएगी। अली भाई ने प्लेट, अली भाई लेमन लेमन डाल रहे हैं, चलेंगे लेमन भी डाल। अब बाकी जी टोमेटो की बारी, चलेंगे टमाटर आ गए जी। अब लास्ट थिंग अचार, तो अचार भी रख दिया है और हमारी प्लेट हो गई है तैयार और अब हम उसको खाएंगे। अली भाई अपनी टाइमिंग बता दें और अपना अड्डा भी बता दें आप किधर हो। भाई 10 बजे से लेकर 2 बजे तक नादर दफ्तर के पास होता हूँ और 2 बजे से लेकर 4 बजे तक मदीना अड्डे के पास होता हूँ, ये चीचा रोड। ये सारे बच्चे तो फाइनली डीएमसी लेके घर आ गए हुए हैं, रास्ते से आते हुए ऑरेंज भी लिए हैं, तो अब ऑरेंज खाने लगे हैं। बच्चे सारे खेल रहे हैं, चेक करें
आमना फुरकान और साथ में नूर फातिमा। तो चले अब डीएमसी ओपन करते हैं अपनी, जो लेके आए इसकी पिंस ओपन करते हैं और आपको दिखाते हैं भाई डीएमसी अंदर से अपनी। आज वैसे ना इसकी खुशी थी काफी। ये सारा मेरा यूनिवर्सिटी की कारकर्दगी और ये बाहर नहीं आ रही है, बाहर नहीं आ रही। तो चले जी ये आ गई है डीएमसी में। चले तो इसके साथ ही हम आज का अपना व्लॉग करते हैं एंड। जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ में लगे बेल के आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली मज़ीद वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। इस व्लॉग तक के लिए हमें दीजिएगा इजाज़त, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।